अगर ये हमारे भाई का फोटो है, या तो ये बड़े पोस्टर में लगना चाहिए, नहीं तो पोस्टल स्टैम्प पे लगना चाहिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में नहीं। अच्छा, कोर्ट में लगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पुलिस पर हाथ उठाना जुर्म है। ए, पुलिस करो चलो रे। Hey, तलवार निकालो। आपको देखकर लगता है जैसे शेर ने पुलिस का ड्रेस पहन लिया। नो कॉम्प्लीमेंट, ओनली पनिशमेंट। क्या बात है, पुलिस कमिश्नर मेरा पीछा कर रहा है और साथ में कलेक्टर और एमपी भी आए हैं। यानी इस लड़की की जान की कीमत तुम लोगों की नजरों में बहुत है। मेरे पापा का खून किसने किया, क्यों किया, जब तक ये पता नहीं चलता तब तक ये लड़की मेरे कब्जे में ही रहेगी। समझे? समझे कि नहीं? मारते इसके बाप की तरह सेवा करने या इसे बचाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। मारने आए हैं, मारते। क्यों रे, तेरे बाप को मारने वाले के बारे में जानकर तू हमारा क्या उखाड़ लेगा? हमने ही मारा है। सेवा करने का इतना ही पागलपन है तो जाकर कोई अनाथाश्रम खोल ले। पर तेरे बाप ने हर चीज फ्री में देगा कहकर हमारी नींद उड़ा दी। मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमारी कब्जा की हुई बेशकीमती जमीन पर कॉर्पोरेट कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़े किए थे और वो तेरा बाप सेवा नाम के बम के साथ आ गया। साहब ये बचना नहीं चाहिए, ये बहुत खतरनाक इंसान है। कहानी क्या सुना रहे हो? मार दो इसे। अरे चुप, टेररिस्ट के नाम पर तेरे बाप को और इसके बाप को मैंने ही मारा था। अब सीएम को, हाई कोर्ट जज को और जनता को भी ये बात पता चल गई कि खूनी तुम हो। मेरे फोन को तुम लोगों ने ट्रेस आउट नहीं किया, मैंने तुम लोगों को ट्रैप किया है अपने फोन से। जरा उधर देखो। उन सबको पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है।
उसे रोको भाई। तुम समझी नहीं, यहाँ के जेल 5-स्टार होटल्स हैं, यहाँ सजा नहीं मजा होता है। इनको सजा दिलाने के लिए नहीं, इनको खत्म करने के लिए मैंने ये प्लान किया था। तब तो तुम भी क्रिमिनल माने जाओगे। मेरे पापा को इन्होंने मारा, सिर्फ इसलिए इन्हें नहीं मार रहा हूँ। मेरे पापा की बस एक इच्छा थी कि मैं IPS बनकर इस शहर को एक ऐसा शहर बनाऊं जो साफ सुथरा हो। इनको खत्म कर दूंगा तो ये शहर साफ सुथरा हो जाएगा और मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए अगर मैं गुनहगार भी बन जाऊं या मर भी जाऊं तो परवाह नहीं। Wait a minute, सूर्या, क्या मेरे पापा के सपने नहीं थे? उनकी आत्मा को शांति नहीं चाहिए? आधी सिटी नहीं, पूरी सिटी को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ट्रस्ट मी प्लीज। सूर्या, खत्म कर दो इस कमीने को। हो गया क्या? ऑलरेडी एक बार मर के जिंदा हुआ हूँ मैं, मौत से डर नहीं लगता। एक चींटी आगे बढ़ती तो हजारों चींटियां उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। ये उनके बीच की एकता है, लेकिन जब एक भेड़ खाई में जाती है तो बाकी भी उसके पीछे चल देती हैं। ये उनकी एकता नहीं है, उनकी नादानी है। आप जैसे लोगों का साथ पाकर लीडर्स और पॉलिटिशियंस आप ही लोगों को भेड़ समझते हैं। वो आप लोगों को लूट रहे और लूट लूट के थक गए, लेकिन आप लोग धोखा खाते हुए नहीं थके हैं। समझौता करने की आदत बन गई है तुम लोगों को। कितने गरीब बनोगे तुम लोग? कब बदलोगे? बदलोगे या नहीं? जब कोयले को जलाया जाता है तो आग बन जाता है, समंदर आपाक होता है तो प्रलय आ जाता है, और अगर धरती फटती है तो भूकंप, भूकंप, अगर आकाश फटेगा तो तूफान, तूफान, हवा घूमने लगे तो आंधी, आंधी। तो ये गुण तुम में नहीं है क्या? त्रेता युग में सिर्फ रावण एक विलन था, द्वापर युग में 101 कौरव विलन्स थे, पर इस कलयुग में ऐसे रावण और नरकासुर बहुत सारे लोग हैं। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो लोग सवाल करने वाले होने चाहिए, ऐसे भीख मांगने वाले नहीं। सालों पहले लिखे संविधान में बदलाव नहीं आया तो जब तक ये दुनिया है हमें ऐसे ही मरते मरते जीना होगा। हमें जो चाहिए हमें ही लिखना होगा और उसके लिए सरकार पर दबाव डालना होगा, और वो सब अमल करके कानून में लाना चाहिए। संविधान में ऐसे बदलाव के लिए आज ही अभी ही इस बात पर सोचना होगा, आज ही इसी वक्त पब्लिक में, पब्लिक के सामने प्रजा मैनिफेस्टो हमें ही तैयार करना होगा, नए संविधान को तैयार करना होगा। संविधान के बदलाव के इस महायज्ञ को इसी की बलि के साथ शुरू करते हैं, तब ये विजयवाड़ा का पूरा शहर का शहर त्योहार मनाएगा। पनिशमेंट, 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 पनिशमेंट।
मुझे मत मारो। सूर्या मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मुझे मत मारो, सूर्या मुझे मुझे मत मारो, नहीं मारना सलूशन नहीं है, संविधान को संवारना ही रेवोल्यूशन है, वही फाइनल डेस्टिनेशन है।